नमस्कार दोस्तों, राम राम, स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, देश के सभी युवाओं में जाग चुकी है खुशियों की लहर। जहां दोस्तों खुशखबरी, किस बात की खुशखबरी कि केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख भर्तियों की तैयारी। अब कई बार ऐसा होता है कि मन में यह व्यथा चलती कि क्या यार ये न्यूज फेक है, इस सूचना में इस समाचार में कोई सत्यता है तो कितनी है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इन सारी चर्चाओं के बारे में आपके दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा मैं आज सारे सवालों को एक तरीके से मिटा दूंगा। मतलब आपके हर जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। और जब जवाब मिल जाएंगे तो उस लिए हम क्यों क्या करेंगे, जवाबों की तैयारी करने में बहुत कुछ वादा रहने वाला है, जवाबों की तैयारी करने में बहुत कुछ घटना घटने वाली है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये सत्यता है तो कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद आ रहे हैं, कहाँ कहाँ नए पद सृजित किए जा रहे हैं, सारी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले की बात यह है कि 10 लाख भर्तियां करेगी केंद्र सरकार, ये आजकल न्यूज़पेपर में बहुत तगड़े तरीके से खबर छाई हुई है। प्रधानमंत्री कल शुरू करेंगे विशेष भर्ती अभियान, 75,000 युवाओं को देंगे अपना नियुक्ति पत्र। तो भैया एक तो ये सबसे पहले बात, तो देखो पीएम ने सभी मंत्रालय और विभागों में दिया 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य। युवाओं को मिलेगा ग्रुप ए, ग्रुप डी, ग्रुप बी, राजपत्रित अराजपत्रित यानी ग्रेजुएट पोस्ट होती है जो, और ग्रुप सी की नौकरी। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में सबसे ज्यादा होगी भर्तियां, एएसआई कांस्टेबल से लेकर एलडीसी स्टेनो पीए के पद शामिल होंगे। 38 मंत्रालय विभागों में नौकरियां, पहले चरण में 38 मंत्रालयों ने 75,000 युवाओं को भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह पहला बैच होगा, इसके बाद नियमित अंतराल पर नियुक्तियां होंगी। इन 75,000 युवाओं को ग्रुप ए, ग्रुप बी, राजपत्रित, ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए चयनित किया गया है। इन पदों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल से लेकर लोअर डिविजनल स्टेनो, निजी सहायक, पीए, टैक्स इंस्पेक्टर और मल्टी टास्क समेत अन्य पद शामिल है। दोस्तों देखो सबसे बड़ी बात तो मैं बता देता हूँ कि आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अभी ही खबर आई, अभी ही 75,000 लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है, क्या ये इन 10 लाख नौकरियों के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये 10 लाख नौकरियां वो है जिनमें, जैसे अभी आपको मैं बता दूं, लास्ट कुछ समय पहले जो जो एग्जाम्स की जो कार्यवाही पूरी हो चुकी है, उनके सारे जो लेवल है वो पूरे हो गए हो, जैसे रिटर्न हो गया हो, मेंस हो गया हो, रिजल्ट आ गया हो, अब उनको जो नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों के असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम्स लगे थे, है ना, कई कई डिपार्टमेंटों के जो ज्वाइनिंग लेटर आने वाले, ये 75,000 भर्तियां हुए जो अब तक भर्तियां पूरी हो चुकी है। ठीक है, रेलवे जो पर बात करते हैं, रेलवे के अंतर्गत भी जो भर्तियां पूरी होंगी धीरे धीरे करते करते, वो भी इन 10 लाख भर्तियों के अंतर्गत। एसएससी की भी वैकेंसी आई हुई है, एसएससी जीडी की वैकेंसी भी इसी के अंतर्गत लाई गई है। मतलब इन दिनों में जितनी भी भर्तियां निकली है, ऐसा नहीं कि नई 10 लाख भर्तियां सृजित होगी, नहीं, ये पिछले कुछ समय से जो भर्तियां चलती रही उन सबको मिलाकर ये 10 लाख नौकरियां हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें राजपत्रित यानी गजेटेड पदों के लिए और नॉन गजेटेड जो पद है उनके लिए भी यहाँ पर भर्तियां ली गई है। सेकेंडरी बात जो है, यहाँ पे हम बात करने जाएं, दिवाली पर 10 लाख नौकरियों का तोहफा, जून में किया गया था ऐलान। देखो सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2022 में अंत तक 10 लाख नौकरी देने की घोषणा की थी। ये भर्ती मोदी की घोषणा के बाद की जा रही है, ठीक है, मोदी की घोषणा के बाद में इन भर्तियों का, मतलब जून के बाद जो जो पद निकले, जैसे भी एसएससी के निकल गया, एसएससी जीडी का निकल गया ना, इस तरीके की भर्तियां इस 10 लाख पदों के अंतर्गत हम शामिल करेंगे दोस्तों। रक्षा मंत्रालय, अच्छा कहां कहां ये जॉब आपको मिलेगी, तो यहां पर एक तो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है वहां पर भी, एसएससी जीडी भी आ रही है उसी के अंतर्गत, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, बैंकिंग, आयकर विभाग, सशस्त्र बलों के समेत अन्य विभाग। आयकर विभाग का मतलब भाई एसएससी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की बात अपन यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी बात कि कितने पद कहाँ पर खाली है, इसके बारे में आपको विचार कर देता हूँ। 39,366 रक्षा मंत्रालय ग्रुप बी में पद खाली है, 2,14,000 पद ग्रुप सी में खाली है रक्षा मंत्रालय में, 2,91,000 रेलवे ग्रुप सी में पद खाली है, मतलब रेलवे में भी एक बंपर भर्ती आने वाली है, ठीक है, 1,21,000 गृह मंत्रालय ग्रुप सी में खाली है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत बंपर भर्तियां आप लोगों की आने वाली है। मैं तो कह रहा हूं भैया इससे बेहतरीन मौका आप लोगों को कभी नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, दिवाली पर 10 लाख को मिलेगी नौकरियां, ये कई बार 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 इन्हीं सारी चीजों को पढ़िए, पूरी न्यूज पेपर की कटिंग में आप लोगों को ले रखा हूँ। यहाँ पर यूपी में भंडार निगम कर्मियों को मिलेगा बोनस, इन पदों पर नियुक्त होंगे नव नियुक्त कर्मी जो होगा समूह ए, समूह बी, राजपत्रित, अराजपत्रित, सब इंस्पेक्टर कॉन्स्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, सारी इन्हीं पदों पर भर्तियां हैं। मतलब कुल मिला के बात है कि आने वाला समय बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा काल
साबित हो सकता है। आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे दोस्तों पढ़ाई की तैयारी में लग जाओ, जिसमें जो पद आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर सेक्टर में, गवर्नमेंट के हर सेक्टर में। दूसरी बात, ये जो पद होंगे ये भर्ती होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाएंगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट वाली पद जो है वो अलग है, ये केंद्रीय सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पद, उनकी नौकरियां हैं। ठीक है, आगे ये भैया पीएम केंद्र के 10 लाख पदों पर भर्ती होगी, कल से शुरू होगा रोजगार मेला, विभिन्न राज्यों से जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री, ये सारी चीजें। 8.72 लाख पद रिक्त, कार्मिक विभाग प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक 7.22 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देने के बावजूद 1 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रालय विभाग में 8.72 लाख पद रिक्त थे। सीधी सी बात है भैया, तो ये सारा काम आप लोगों के सामने है। कार्यक्रम के दौरान 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, किन किन मंत्रालयों में होगा ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखो 38 मंत्रालय और विभागों में होंगी भर्ती, कौन कौन से हैं, यूपीएससी एक तो आप लोगों की, ठीक है, यूपीएससी एक तो ये रहा, और एसएससी में ग्रुप ए गजेटेड कैटेगरी में 23,584, ग्रुप बी गजेटेड कैटेगरी में 26,282, ग्रुप सी के नॉन गजेटेड कैटेगरी में 8,36,000, रेलवे ग्रुप सी के 2,91,000, ग्रुप बी नॉन गजेटेड 39,366, ग्रुप सी के 2,14,000, गृह मंत्रालय ग्रुप सी नॉन गजेटेड कैटेगरी में 1,00,000। भाई रे ये तो माथा ही फोड़ दिया, इतनी भयंकर वैकेंसियां, एसएससी में भी रिकॉर्ड तोड़ 30,000 के ऊपर वैकेंसी आई हुई है यार। अब आप बताओ क्या करेंगे यार। अब आप ये कहते हो कि रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो भैया ये तो गलत है। अब हमारी यहाँ पर दायित्व तो बनता है कि अपन तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद में भाई साहब काम किया जाए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि बेरोजगारी जो दर है वो क्या रही है। पिछले 5 सालों में भारत में बेरोजगारी दर क्या थी, 2017 में 6.09%, 18 में 5%, 2019 में 7.46%, 2020 में 7.69%, अप्रैल 2022 में 23.52%, और जनवरी में भाई साहब बढ़कर बेरोजगारी खतरनाक हो गई। ये वो दौर था जो पूरे विश्व में कोरोना का दौर था, तो इसमें देश की कोई भी सरकार ये यहाँ पर दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोरोना के 2 साल भारी बेरोजगारी से भरपूर थे, कई लोगों ने अपने काम धंधे छोड़े। ठीक है, फिर भी हम पटरी पर आ रहे हैं। 2022 में ऐसी रही कि जनवरी में 2022 में 6.57 रह गई, फिर फरवरी में 8.10, देन फिर मार्च में 7.60, और अप्रैल में 7.83 तक बेरोजगारी के दर को हमने यहाँ पर ले आए। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की वैकेंसीज आ चुकी है। अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी में लग जाओ, और फिर खुद से ये नहीं कहना कि भैया नौकरी नहीं लगी, क्योंकि फिर ये कमी आपकी है। दूसरी बात कि गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल टेस्ट सीरीज फॉर 1 ईयर। अगर आप अपने प्रो को, अपने परीक्षा एप्लीकेशन को अपडेट कर लें और प्रो में कन्वर्ट कर लें, इससे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए, 99+ टेस्ट सीरीज फॉर 1 ईयर, और क्रैक करो हर एग्जाम, है ना, दिल्ली पुलिस, AWTO, TPO के लिए टेस्ट सीरीज, SSC के लिए टेस्ट सीरीज। इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा RJ40, और अगर RJ40 यूज करेंगे तो ही आपको सभी टेस्ट सीरीज पर 40% का ऑफ मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात, सभी सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे यहाँ पर प्रोवाइड है परीक्षा एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों देरी किस बात की है, परीक्षा परिवार है आपके साथ, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और तो इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं दोस्तों, आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो दोस्तों बने रहिएगा परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए शुक्रिया है, जय हिंद, जय भारत।